रुपाना। हाय बेटा, आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ आप और आपकी अम्मा के लिए पालक पनीर। पालक पनीर, ये है पनीर। हाँ, बल्कि तकरीबन ये सारी तैयारी मैंने कर ली हुई है। ये देखो पानी भी बॉइल हो रहा है, ये हाँ ओके। इसमें डालेंगे पालक, ठीक है। अब इसमें मैं पालक डाल रही हूँ बेटा। पालक डाल रही है, हाँ ओके। और इसको 1-1.5 मिनट तक बॉइल करना है, ठीक है। और हाँ, पानी और पालक कितने कितने? पालक तो 3/4 है, 3 पाव। और पानी? पानी जिसमें ये डूब जाए हाँ, पालक जिसमें डूब जाए, ये होगा 2 लीटर। 2 लीटर हाँ। अब हम कितना वेट करेंगे? बस ये एक आध मिनट तक ना इसको बॉइल करना है। बॉइल कर, जरा फुल कर लेते हैं। लगता है कुकु ना आप बड़ी ज्यादा एंथुजियास्टिक है बनाने के लिए। नहीं, इसलिए ये बहुत इजी है इसको बनाना। पालक पनीर, पालक पनीर को बस मिनट में, चंद मिनट्स में बना लेते हैं, है? हाँ। तो तब तक हम कैमरा ऑन रखेंगे। हाँ, ये इतने कम वक्त में बनती है कि कैमरा ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, और कुकाना इन क्वांटिटीज के बारे में बता दें कि क्या क्या है और कितनी कितनी लिया। ये बटर है, सॉल्टेड? नहीं, सॉल्टेड नहीं है, अनसॉल्टेड है। ये है प्याज चॉप किया हुआ, और ग्रीन चिलीज हैं, गार्लिक, लहसुन, अदरक, टमेटोज हैं, लेकिन मैंने डालने नहीं है। okay. आपके अम्मा को तो पसंद है, लेकिन मुझे पालक पनीर में टमाटर पसंद नहीं है। ये है नमक, ये जीरा है, एज यूजुअल पेपर है, और नमक है, बस बस। ओके okay. और ये बॉईल हो चुकी है, ये फ्लेम तो मैंने काफी ताकतवर कर दी है। लेकिन चूंकि ये फ्रिज में थी रखी हुई, तो इसको थोड़ा सा टाइम, हाँ थोड़ा गर्म होने में, फिर बॉईल होने में, ये बस थोड़ा सा हो जाता है। अब ये तो इसको बहुत बड़े बड़े उबाल चढ़ रहे हैं, आखिरी उबाल है। बस 1-2 मिनट हो गया, अब इसको मैं स्टेन करने लगी हूँ, ठीक है। स्टेन करके हम क्या करेंगे? हाँ? वो बताएंगे आप स्टेप बाय स्टेप? नहीं, वो आप देखना। ओके, ये देखो ये स्टेन हो गया जी। कुकाना जैना, ये ठंडा पानी फ्रिज में रखा हुआ था मैंने, ये ऊपर से ना पालक के ऊपर से ये डाल देते हैं, ठंडा पानी, ठंडा बर्फ, ठंडा, हाँ बहुत ठंडा है ये। ओके, कुकाना आपने हाथ क्यों रखा हुआ था? कहाँ? ये बीच हिला रही थी हाथ से। अच्छा, पानी को नहीं। हाँ, ये स्ट्रेटजी मुझे अम्मा भी करती होती हाँ, है तो वो एक ही जगह, ये देखो ना, अगर हाथ ना रखो तो ये एक ही जगह ऐसे है। अब अगर हाथ से करूंगी तो ये देखो ये, ठीक है। अब आने लगा है काम में हमारे ग्राइंडर। हाँ ओके, ये है सब्ज मिर्च, ये ज्यादा नहीं, ये थोड़ा सा गार्लिक है, ठीक है। ये अदरक, मैंने टोमेटोज नहीं डाली बेटा, मुझे नहीं पसंद पालक, बिल्कुल पालक और साग में टोमेटोज की समझ नहीं आती है, नहीं डालें भी तो वो ठीक है, आपके माँ आपको पसंद है, लेकिन मैंने नहीं डालना। ये थोड़ा पानी डालते हैं, इस तरह से ब्लेंड नहीं होगा थे पानी के बगैर। अब हम इसको ढक देते हैं। शोर उठने वाला है, आपने इस दफा कहा नहीं कि शोर उठने वाला है ना? उठने वाला है, और शोर इसका उठना मुझे पसंद नहीं है। कोई भी मशीन हो, वॉशिंग मशीन भी, वो शोर भी मुझे डिस्टर्ब करता है। हमारा तैयार हो गया है पेस्ट, अब इसमें डालेंगे हम पालक। पालक यानी स्पिनच। अच्छा कुकवा ना, मुझे याद है बचपन में मैं देखती थी पापा द सेलर, तो वो खाता था स्पिनच पालक, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती थी। और मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ रही थी, रील देख रही थी, सॉरी मीम थी, कि आजकल के बच्चे पालक यानी पालक है, लेकिन हम पालक को याद ऐसे करते थे कि वो कार्टून था पापा इज द सेलर। अच्छा, हाँ ये तुम तो भी छोटी सी हो, वो तो हम अपने बचपन में देखते थे। नहीं, मैं भी देखती। वाओ, ये देखो जाना, ये इसका पेस्ट सा बन गया पेस्ट, लहसुन अमेजिंग, हाँ लहसुन अदरक और इसका, तो इसको रखते हैं साइड पे, ठीक है। और अब ये हमने रखी देगची चूल्हे पे, इसमें डालते हैं बटर, हाँ अनसॉल्टेड बटर, नहीं साल्टेड भी, पाबंदी के लिए मैं अक्सर कहती हूँ, साल्टेड भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है।
तो ये है बटर, ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। हाँ, यही तो है। इसका फ्लेवर बहुत स्पेशलिटी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें पालक पनीर। हाँ, बटर का थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे साथ, ठीक है। बस क्या बात है। हाँ, अब हम इसको, अच्छा ये जो पालक पनीर है ना, ये है ना 99% ऐसे ही बनता है, ठीक है। हाँ, कमोबेश छोटी सी एक दो चेंज के साथ ऐसे ही बनता है मेरे ख्याल में, जैसे आप बनाती है बेस्ट तरीका है। ओहो, मैं आपकी खाला हूँ ना, इसलिए आपको मेरा मास्टर शेफ भी तो है। नहीं, मास्टर शेफ कहा, मेरे पास मास्टर शेफ की डिग्री नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ना बेताज बादशाह, तो आप बेताज मास्टर शेफ हैं। अच्छा, यस, ये हाउ सैड कि बादशाह हूँ और ताज भी नहीं। चलिए, ताज भी आपको बनवा देंगे। वैसे ये भी अच्छा है, कहते हैं कि ये भी अच्छा है, कहते हैं कि अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। हां, तो आपको ताज भी मैंने पहना, मुझे बहुत बुरा लगता था। अच्छा, ओके। अच्छा जी, जैना प्याज डाल दिए इसमें, अगर जब वो मेल्ट नहीं हुआ बटर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऐसा प्याज, हाँ प्याज डाल दिया, तो इसको कलर नहीं देना हमने, बस बस ट्राई कर, थोड़ा ये नहीं लाइट पिंक हो जाए। हाँ, पिंक ना भी हो, बस ये मेल्ट हो जाता है ना बटर, तो बटर में को होता है ना एक मॉइस्चर सा लस्सी टाइप, तो वो सूख जाता, तो बस ठीक है। बटर तो बिल्कुल मेल्ट हो गया कुकवाना, मेल्ट नहीं हुआ, प्याज फ्राई हो गया, प्याज फ्राई हो गया, मेल्ट होना ही था। ये बस इधर तक करना है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 teaspoon जीरा, जीरा साबुत, ओके, 1 teaspoon डालना है, 1 teaspoon, हाँ 1 teaspoon, और नमक, इसमें इसमें ना रेड सुरख मिर्च नहीं डालते, ये 1 teaspoon से कम है नमक, ओके, और चले 1 teaspoon कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया ना, इसको इसके अंदर डाल देंगे। हाँ, इसको इसके अंदर जल्दी, ये देखो, ये वाह भाई वाह। अब इसको कितनी देर तक बनाती हूँ, क्या बातें हैं आपकी। अच्छा जी, मैं इसमें पानी डाल के ना ब्लेंडर जग में, तो ये जो बचा खचा ये भी इसमें डाल दूँ, ठीक है। तो ये आप अपना शुरू हो गया जाना। नहीं, आपने पालक पनीर को ढक क्यों दिया है, वो पक रही है ना। कितनी देर तक पकाएंगे, मैं बताती हूँ बेटा। ये है ना, ये देखो, ये साइड जो ये किनारे जिसको कहते हैं, ये इधर ये घी आना शुरू हो जाएगा ना, दिखाई देगा, घी आना शुरू हो जाएगा। हाँ, जब इधर जमा होना शुरू हो जाएगा ऑयल या मक्खन जो भी है, बस। और आंच कितनी, अभी तो नॉर्मल है, नॉर्मल, यानी मीडियम, मीटिंग या नॉर्मल भी क्या फर्क है, इट मींस द सेम। 5-6 मिनट, ये बस, ये देखो मक्खन आयल ऊपर आ गया, ये किनारों पे, ये देखो। हाँ जी, हाँ, फ्लेम किया ऑफ ऑफ। अब इसमें थोड़ी सी पालक और सूखी मेथी का जोड़ तो है ना, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, मेरे पास वैसे भी ख़त्म हो गई है, ये थोड़ी सी सूखी मेथी डाली, ठीक है। और इसमें चूंकि लाल मिर्च नहीं डालते, पेपर डालते हैं, तो ये 1/2 teaspoon पेपर डाला है, तो इसको मिक्स फिर से, ठीक है, खूबसूरत कलर है बहुत। और इसमें ना, इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर ये डाला है क्रीम, क्रीम, वंडरफुल, हाँ, 2 चम्मच, बस, क्या बात है। हाँ, ये हो गया। अब हम फ्राइंग पैन रखा, थोड़ा सा बटर मैंने डाल दिया था इसमें, ठीक है, तो ये गरम हो थोड़ा सा। ये देखो जैना, ये है कॉटेज चीज, ओके, इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में, ओके, ये देखो, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है, बटर में, बटर में, हाँ बटर में, डन, हल्का सा फ्राई, हाँ थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि पालक बहुत कम है तो चीज़ भी बहुत कम डालेंगे। चलो अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको हम खाएंगे इसको गरम गरम। अब कुकवाना, अब ये क्रीम डाल दी थी मैंने, पेपर भी डाल दिया, सूखी मेथी भी, अब ये जो हमने ये कॉटेज चीज, तो कुकवाना ये तो कमाल लग रहा है। हाँ, है भी कमाल, लग नहीं रहा इन, ये कमाल है, इंडीड इंडीड कमाल है, कमाल ना, आप भी कमाल है। हाँ,
तो मेरे ख्याल में कुकवाना इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा टेस्ट। खुशबू के दरमियान आपकी व्यूअर्स को कहना है मुझे बाय बाय कहना है। हाँ बाय बाय।